मैं कहा तेरे बाप की जगीर में बस रहा, ये सपना तो तेरे दादा ने भी देखा था, आज वो जेल में है। कैथल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कुरुक्षेत्र से सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयोजक राजकुमार सैनी ने बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो पर जमकर हमला बोला है। तवर की पोलखोल रैली पर बोलते हुए सैनी ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपनी 55 साल की पोल खोले, 70 साल में से 55 साल कांग्रेस ने राज किया है, 12 बार जनता ने उन्हें मौका दिया है, कांग्रेस ने 12 सालों में देश को गरीबी की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग एक पोल खोल रैली, पोल खोलनी है तो अपने 55 साल की पोल खोल लें, जो 55 साल में तुमने देश को भिखारियों की लाइन में लाके खड़ा कर दिया, किसकी पोल खोलने जा रहे हैं? यहाँ पर भ्रष्टाचारियों की पोल खोल रहे हैं या 55 साल में राज करने वाले लोगों की पोल खोल रहे हैं या मौजूदा सबका साथ सबका विकास करने वाले लोगों की पोल खोल रहे हैं या अपनी खुद की पोल खोल रहे हैं जो पीटने के बाद भी इंसाफ नहीं पा सके? ऐसे लोगों को ये प्रदेश और ये देश नकार चुका है। बैकवर्ड क्लास पर बोलते हुए सैनी ने कहा है कि सभी पार्टियां बैकवर्ड क्लास को पांव की जूती बनाकर रखना चाहती हैं, लेकिन उन्हें देना कुछ नहीं चाहती। सारी की सारी सरकारें जितने भी आज तक बनी, इस बैकवर्ड को तो पैर की जूती बनाकर के पहनना चाहते हैं, आपको देना कुछ नहीं कोई चाहता। वहीं चौटाला परिवार पर तंज कसते हुए सैनी ने कहा है कि इनेलो का आधा परिवार तो जेल में है और बाकी जेल में जाने की तैयारी में है। इनेलो की सरकार आते ही राजकुमार सैनी को जेल भेजने की बात पर जब सैनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये सपना तो उनके दादा ने भी देखा था। 10 आदमी निकलते हैं भ्रष्टाचार पे भाषण देने के लिए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कोणवा भ्रष्टाचार में अंदर पड़ा, आय से अधिक संपत्ति में बाकी के परिवार के लोग अंदर जाने वाले रहे, मर्डर करके केस खुले पड़े और भ्रष्टाचार में भाषण दे रहे। राजकुमार सैनी को कह रहे सरकार आते ही राजकुमार सैनी को जेल में बिठा दे। मैं कहा तेरे बाप की जगीर में बस रहा, ये सपना तो तेरे दादा ने भी देखा था, आज वो जेल में है और मेरे पास साथ जो शब्द नहीं, इस कुरुक्षेत्र की जनता का जहां न्याय और अन्याय के लिए भगवान कृष्ण जी लड़े, आप लोगों ने ऐसी धरती पे मेरा समर्थन